फतेहपुर में एनएच 2 पर एक दर्दनाक सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 46 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के अनुसार कल्याणपुर थाना क्षेत्र में ट्रक का टायर फट गया और वो अनियंत्रित होकर सामने से आ रही रोडवेज बस से जा टकराया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बस के पीछे चल रही एक कार भी इसकी चपेट में आ गई। यही नहीं, हादसे के बाद तीनों गाड़ियां खंती में पलट गईं। वहीं जोरदार धमाके और चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके की तरफ दौड़े। आनंद फानन में राहत में जुटे गांव वालों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी और बस में फंसे लोगों को निकाला गया, लेकिन तब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी थी। उधर से ट्रक आ रहा था फतेहपुर से, अगला क्या उसका बस्ट हुआ, उसके स्टेयरिंग संभाल नहीं पाई अपनी और इस बार आगे बस थी, पीछे मार्शल थी, उसी में टक्कर मार तो बस पलट गई और मार्शल पलट गई। इसके मार्शल बस में कितने लोग घायल हुए बेटा? बस में कम से 25-30 लोग घायल हुए। और कितने लोग खत्म हुए? 10-12 लोग खत्म हो गए। उधर हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू में जुट गए। करीब 2 घंटे चले रेस्क्यू में पुलिस ने सभी घायलों को बाहर निकाला और इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। क्योंकि रोडवेज बस ये कानपुर से फतेहपुर की तरफ आ रही थी और एक ट्रक फतेहपुर से कानपुर की तरफ जा रही थी, दोनों अपनी अपनी लेन में जा रहे थे हाईवे पर। अचानक ट्रक का टायर दब गया है, जिसमें ट्रक जो है पलट करके दूसरी लेन में, बस वाली लेन में चली गई और वहाँ बस पर और बस के पीछे आ रही एक जीप थी, उस जीप पर दोनों पर ये पलट गई, तीनों गाड़ियां पलट गई। इसमें अभी तक दुर्घटना में 6 लोगों की मौत हुई है और अभी तक जानकारी के मुताबिक 46 लोग घायल हैं, जिसमें घायलों को जो भी गंभीर थे उनको कानपुर रेफर कर दिया गया है। तत्काल मौके पर जो है रेस्क्यू की कार्रवाई की गई है, सभी पुलिस फोर्स पहुंच गई, सारे लोग मौके पर जा करके और ट्रक और बस को हटवा दिया गया है, पूरी रूट जो है क्लियर कर दी गई है और ट्रैफिक नॉर्मल कर दिया गया है, लाइन ऑर्डर की कोई भी समस्या नहीं। कितनी देर रेस्क्यू चला सर? कम से कम रेस्क्यू लगभग 2 घंटे चला है सर। इसमें जो तीर्थी फिलहाल घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कई लोगों की स्थिति गंभीर देखते हुए उन्हें कानपुर रेफर किया गया है। पंजाब केसरी टीवी के लिए फतेहपुर से नितेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट।